आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, लेकिन इस जश्न के पीछे बलिदान की गाथा को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज भी यदि हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे देश के वो वीर जवान हैं जो देश की सरहद पर तो जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा कर ही रहे हैं। देश के अंदर भी कई ऐसे जांबाज हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में जुटे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक तरफ जहां पूरे जिले में उल्लास है, वहीं दूसरी तरफ पलामू का एक लाल नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। पलामू के तोलरा गांव के रहने वाले देवेंद्र तिवारी के इकलौते सुपुत्र अमित तिवारी चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी नक्सल विरोधी अभियान से लौट रहे थे, साथ में कई पुलिस के जवान थे। तभी अचानक नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। जब तक पुलिस जवान संभल कर जवाबी फायरिंग करते, तब तक सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और हवलदार गौतम कुमार शहीद हो चुके। इधर शहादत की खबर मिलते ही पलामू के तोलरा गांव समेत पूरे इलाके में मातम पसर गया। महज 6 दिन पहले घर में खुशियां आई थी। 6 दिन पहले अमित कुमार तिवारी के बेटे ने जन्म लिया है। अपने बेटे को देखे बिना ही देश के लिए शहीद हुए अमित की शादी पाटन थाना क्षेत्र के काला पहाड़ गांव में हुई थी। काला पहाड़ गांव में भी मातम पसरा हुआ है। इधर शहादत की खबर मिलते ही नीलाम्बर पीताम्बर को चैप 8 कैंप में ध्वजारोहण करने पहुंचे पलामू के पूर्व SP चंदन सिन्हा तोलरा गाँव पहुंचे। उन्होंने कहा कि अमित तिवारी और गौतम कुमार के वीरगति प्राप्त होने की सूचना पर स्वतंत्रता दिवस के उल्लास के बीच आंखों में आंसू आ गए। पुलिस परिवार का कोई सदस्य शहीद होता है तो अनायास आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। देश और समाज के आंतरिक सुरक्षा की बलिवेदी पर परिवार का कोई सदस्य अपना बलिदान दे तो सिर गर्व से ऊँचा क्यों ना हो। आगे उन्होंने कहा कि पलामू को वैसे भी मैं अपना घर मानता हूँ। पलामू के लाल की शहादत को सलाम करने, दुख की कठिन घड़ी में उनके परिवार वालों को सांत्वना और धीरज देने वो तोलरा गांव पहुंचे और उस पवित्र धरती को नमन किया जहां ऐसे वीर का जन्म हुआ हो। देखिए, आज मैं सुबह लेस्लीगंज झंडोत्तोलन पे आया था, उसी समय मैंने सोशल मीडिया में न्यूज़ पढ़ा कि जो तोलरा का लाल है अमित तिवारी, जो झारखंड पुलिस में SDF में काम कर रहे थे, आज नक्सली के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। मैं उनके परिजनों को सांत्वना देने आया था और मैं ऐसे भी पलामू को अपना घर मानता हूँ। तो पुलिस परिवार की क्षति तो है ही, पलामू का कोई लाल शहीद हुआ इसके लिए व्यक्तिगत विशेष भावना मेरे मन में थी। मैं चाहा कि मैं अपने परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दूँ और उन्हें बताऊँ कि उनका लाल जो आज वीरगति को प्राप्त हुआ वह उनके दुख का कारण नहीं, उनके गर्व का कारण होना चाहिए। इसी भावना को लेकर मैं संप्रेषित करने पाऊँ।